चलिए हम खजूर बनाते हैं। देखिए हमने बहुत ही खस्ता खजूर बनाकर तैयार किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है तो लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी नई वीडियो लिखाऊंगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो हमें जो जो सामान चाहिए हमने यहाँ पे ले लिया है। देखिए हमने शक्कर लिया है, मैदा ले लिया है, सूजी ले लिया है और कोकोनट पाउडर ले लिया है। यहाँ पर हमने मैदा की क्वान्टिटी सूजी की क्वान्टिटी से ज़्यादा रखी है। आप चाहे तो सूजी की क्वांटिटी मैदा क्वांटिटी से बढ़ा सकते हैं। अब हम एक घर का कोई भी थाली ले लेंगे और उसमें हमने जो भी ये सामान लिया उसे रख कर इसका एक डो तैयार करेंगे। देखिए सब पहले हम इन्हें अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे जो हमने लिए ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें एक चम्मच घी डाल देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मोइन के लिए हमने यहाँ पे घी डाला है। आप चाहे तो घी को भी हल्का सा गुनगुना करके डाल सकते हैं, बट आप ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं होता है। देखिए इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हम अपने दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, जिससे कि हमारे खजूर बहुत ही खस्ता बनेंगे। इस स्टेप को हमें बहुत ही अच्छे ध्यानपूर्वक करना है, जिससे कि खजूर बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छा बनेंगे। देखिए इसे हम दोनों हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम शक्कर को घोल लेंगे। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे शक्कर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो, या फिर कम पसंद हो तो कम भी कर सकते हैं। हमें शक्कर को एकदम अच्छे तरीके से नहीं घोलना है, थोड़ा सा इसमें हमें शक्कर को ऐसे रहने देना है, जिससे कि हमारा खजूर बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक इलायची खोल के डाल सकते हैं, अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद हो उस स्टेज पे। देखिए हमें ऐसे ही घोल तैयार कर लेना है। अब चलिए हम एक इसका डो लगा लेते हैं। देखिए हमने इसका डो लगा लिया। देखिए ऐसे ही हमें इसका डो लगा लेना है। अब चलिए हम इसका ऐसे खजूर के शेप में इसे तैयार कर लेते हैं। हम एक छोटी सी लोई लेंगे, ऐसे करके हम इसका शेप। फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका सांचा आते हैं उससे भी बना सकते हैं, बट कई लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए हमने आपको ऐसे अपने हाथ के हेल्प से हम कैसे इस खजूर बना सकते हैं, इसलिए हमने आपको ऐसे दिखाया है। देखिए हम इजी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथ के हेल्प से ऐसे इसका शेप दे सकते हैं। देखिए इसे हमें गोल कर लेना और फिर लंबा कर लेना है। बहुत इजी स्टेप है ये, आराम से कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास नाचा हो तो उससे भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पे देखिए सारे खजूर को बना कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। ऐसे ही आप रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल लिया है।
आप चाहे तो यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, अगर आपको घी खाना पसंद हो, घी में फ्राई करना हो तो। एक हम छोटी सी लोई डालेंगे और देख लेंगे कि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स, हमें इस स्टेज पे ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा ऑयल को, तेल को गर्म नहीं होने देना है, और हमें मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, ना ही हाई ना ही स्लो, मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, इसे हमें अच्छे से उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना, बहुत ही बढ़िया तरीके से, जिससे कि बिल्कुल ही अंदर से कच्चे ना रहें। फ्रेंड्स, मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो रेड हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम तो एकदम स्लो, मतलब फ्लेम पे ही इसे फ्राई कर लेना है, स्लो से थोड़ा मतलब कम। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, या फिर मेरे को आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और हमें इसमें क्या डालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। देखिए, हमने इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई किया है। इसे हमें फ्राई करने में 5 मिनट टाइम लगा है। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े थोड़े क्वांटिटी में फ्राई करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई भी होते हैं, और मीडियम फ्लेम पे करते हैं तो अंदर से कच्चे भी नहीं रहते हैं। और फ्रेंड्स, जब हमें लगेगा कि हमारा अच्छे से ये खजूर फ्राई हो गया है, उस निकालने से सिर्फ 1 मिनट पहले हमें इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, जिससे कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही अच्छे मतलब हमारे खजूर बनेंगे। बट निकालने से 1 मिनट पहले ही अच्छे फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। देखिए, हमने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया। अब देख सकते हैं कि कितना बढ़िया बने। अब इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें तिल का फ्लेवर अच्छा लगता हो तो इसमें आप तिल भी, व्हाइट वाला तिल डाल सकते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद हो या फिर थोड़ा कुछ अलग करना हो तो डाल सकते हैं। ऐसे ही करके हम अपने दूसरे बैच को ही फ्राई कर लेंगे। बट आप अगर एकदम सिंपल खाना पसंद करते हो तो ऐसे बना सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिंपल वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप एक बार ज़रूर से मेरे इस तरीके से बना कर देखें। देखिए, हम आपको इसको तोड़कर दिखा रहे, देख सकते हैं आप कि कितना मतलब अंदर से कितना सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया बने हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं। ये गर्म है तो टूट नहीं रहे हैं, देखिए। और आप इसे, फ्रेंड्स, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसे हफ्ते भर भी खा सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कुकीज हैं ये।
अगर आप चाहें तो इसे गोल शेप में भी बना सकते हैं। आप शेप आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसी इसका शेप देना चाहते हैं। अब हम अपने दूसरे बैच को ही फ्राई कर लिया, अब इन्हें भी निकाल देंगे और नेक्स्ट हम जितने भी हमारे खजूर बने बचे हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। देखिए हमने सारे खजूर को फ्राई कर लिया है। देखिए हमने सारे खजूर को फ्राई कर लिया है और ये हमारे खजूर बहुत ही खस्ता बने, देख सकते हैं कितने आसानी तरीके से टूट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से अपने घर पे इसे एक बार बनाकर देखें और मेरे साथ शेयर करें आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।